কৃপা সব পড়ে গেছে অসনিয়ে দা বড়রানি জিলামা জনতা পার্টি নেতা বিজে দাদে নে 40 সাল সে তুমির সেবা করি লেকিন বড়রানি জিলামা জো বিজেপি নেতা সে নেতে বৈঠক মে বুলালো নে সূচনা নে দেনো और सूचना दे के बुला के अपमान भी कर लो भूमि पूजन करने भी दे लो तो मैं सुशील की ऐसी पार्टी में रवि कह करे कांग्रेस ज्वाइन कर उसके द्वारा मैं कांग्रेस में आई हूँ और बाकी जो समय से मारो तुम्हारे कांग्रेस में तुम्हारो काट करो हमारे बहुत पूर्व मुख्यमंत्री जी दिव्य सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए मेरा वनवासी आदिवासी भाइयों अब मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा बाकी समय कांग्रेस के में रह के तुम्हारे लिए डट के काम करूंगा तुम्हारी समस्या के लिए रहूंगा और जो भी आपके सहयोग से इस क्षेत्र की समस्या लड़ेंगे और ऐसे गांव में आज भी देश आजाद होने के बाद भी घोड़े नहीं बन रही है अपन इसके लिए भी आपके आशीर्वाद से और वीरेंद्र भाई के आशीर्वाद से बाला भाई के आशीर्वाद से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा के आशीर्वाद से अपन सब काम करेंगे ताली बजाओ और मेरे आदिवासी भाइयों आप लोगों ने मैं ज्यादा समय नहीं लूं आप दिग्गी राजा की बात सुनना चाहते हो वो पूरा शासन की बात करेंगे लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ राहुल गांधी के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ लोकतंत्र की हत्या है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत स्वागत करते हैं दूर सांसद जिन्होंने आज भाजपा से दुखी होकर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लिया और पूरा सम्मान के साथ और राजा साहब राहुल गांधी जी से बंगला वापस लेने की बात की है तो आपने ऑफर किया है कि राहुल गांधी जी को आपका बंगला दे दे इस पे क्या कहेंगे बात यह है कि कोई ऐसा लीडर बता दीजिए जिसके परिवार में तीन तीन प्रधानमंत्री रहे हो और उनके पास अपना निजी मकान ना हो जो कुछ उनका मकान थे संपत्ति थी आनंद भवन की इलाहाबाद वो आज़ादी के पहले ही उन्होंने कांग्रेस को देश राष्ट्र को समर्पित कर दिया आज राहुल गांधी जी के पास कोई निजी मकान नहीं है उसकी कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न मकान का नहीं है प्रश्न इस बात का है कि इस देश में जो गरीबों के लिए पैसा है बैंकों में उनको अनुदान और उनको कर्जा देने के लिए साथ में जो गरीबों का पैसा बैंकों में जमा है वो चंद बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा बांटा गया और कर्जा बांटकर पैसा उन्होंने विदेशों में भेज दिया और भाग गए ऐसे लोगों को अगर हम चोर ना कहें तो क्या साहूकार कहें यही तो उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग वो लोग हैं जो देश का पैसा लेकर लूट कर बाहर चले गए और आज पैसा चला गया आपने जर्मनी को थैंक यू कहा है
बात कही तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, मानहानि का। भाजपा कह रही है मोदी कोई जात होती है, मोदी कोई जात होती है क्या? उपनाम होता है पूरे देश में। एक भी जब कोई बता दे कि मोदी नाम की कोई जात की होती है। हाँ, मोदी उपनाम होते हैं और उसमें जेएनयू में भी होते हैं, महेश्वरियों में भी होते हैं, गांचियों में भी होते हैं, कई लोगों में होते हैं। तो इसलिए झूठी बात कर रहे हो। मैं उसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि जितने लोग देश का पैसा लेकर भागे हैं उनमें से एक आदमी भी पिछड़ा वर्ग का हो तो बता दीजिए।